नमस्कार। सो लास्ट वीडियो को आप देख रहे हैं, उसको देख के लोग कमेंट्स डाल रहे हैं, फोटो और कॉल भी कर रहे हैं। और मैंने आपको बोला है कॉल का मेरे पास समय नहीं है, एंड जिसे कहना चाहिए देसी भाषा में कि पैसा कमाने का समय नहीं है। तो कोई बात नहीं, आप लोगों की तसल्ली के लिए अपनी तरफ से मैं वीडियो बना रहा हूँ। और ये इस समय होम पेज आप देख रहे हो सुभारती मेडिकल कॉलेज का, ठीक है? ऐसा ही लास्ट ईयर भी आया था। और ये चार आपको लिंक नज़र आ रहे हैं, खासकर जो ये जो तीन है और खासकर यूजी का 2024 का, इसमें बारी बारी लिंक खोल खोल के चेक करेंगे, ठीक है ना? ताकि कहीं कोई कन्फ्यूजन, कहीं कोई टेंशन ना हो। और इसी हिसाब से आप देखोगे कि ये एनेक्सेस खुल रहे हैं, ये जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट एनेक्से नंबर 5 जो आपसे करवा रहा है सुभारती, ओके? और सुभारती आपसे जो एनेक्सर करवा रहा है, मैंने खोला तो था, कहाँ गया इसका पेज? तो ये उनका है जो उन्होंने आपको बताया है कि टर्म्स एंड कंडीशंस, जैसे वो बार बार चीज देखिए, बिल्कुल मैटर फोन हमारा काम क्या है देखिए। और फिर से ना, इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए, पता नहीं क्यों लोग, वी आर सेल टू प्रिडिक्ट, एंड अगेन भगवान करे हमारी प्रिडिक्शन गलत हो जाए, राइट? और आपको ये समझना चाहिए कि हम किस तरफ खड़े होना चाहते हैं। आपने सुभारती लिया, बहुत अच्छी बात है। मेरे को सुभारती दुश्मनी थोड़ी ना है, या उन बच्चों से सुभारती में जा रहे हैं। मेरा तो फर्ज ये है कि चलो जो मैं पढ़ के समझ पाता हूँ वो आप सबको बता दूँ, ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें, यही तो है ना? तो भाई ये सुभारती के होम पेज पे जाकर जब आप तीन चार लिंक क्लिक करोगे जो उसके नोटिफिकेशंस वगैरह से रिलेटेड थे, तो एक ये अनेक्सर खुला जिसमें वो कहते हैं कि मैं एक एग्रीमेंट करवा रहा हूँ। और ये एग्रीमेंट सेम वही है जो लास्ट ईयर भी करवाया गया था। और वो एग्रीमेंट यही था कि भाई अगर हमारी फीस बढ़ गई तो आप हमको हमारी पूरी फीस देंगे, उसमें कहीं पर कोई समझौता नहीं है। नहीं, ये फीस स्ट्रक्चर का पेज खुला, इसमें ऊपर से शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना? इसको बंद कर देता हूँ मैं, ताकि आपको ये ना लगे पहले कहीं से जाली खोल रखे हैं। तो हम सुभारती के होम पेज पे थे, दोबारा जाता हूँ, ठीक? मैंने ये वाला लिंक क्लिक करा, इस लिंक को क्लिक करके ये डॉक्यूमेंट्स आ गए। ऊपर से शुरू करते हैं, सबसे पहला डॉक्यूमेंट जिसमें बिल्कुल ये है कि फिलहाल फीस कम है एज पर द स्टेट गवर्नमेंट, और साथ में ये लिखा है कोर्ट में मैटर है, और साथ में ये लिखा है कि कॉलेज विल चार्ज एज पर स्टेट गवर्नमेंट, और कॉलेज ने आपको एडवाइस करा है लिखित में, यू आर एडवाइज टू लुक इन टू द फी स्ट्रक्चर ऑफ इरा एंड तीर्थंकर महावीर फॉर रेफरेंस। बाकी सब बातें तो उनके लिए है कि जो डिटेन होते हैं, क्लासेज नहीं करते। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस पेज में, ठीक है? अब इसको बंद कर देते हैं तो कन्फ्यूजन ना हो। होम पेज पे गए, इन्होंने जो ये डाल रखे हैं ये एफिडेविट है, एफिडेविट इसमें की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल रैगिंग वैगिंग को लेके है, इसको भी बंद करते हैं। एंटी रैगिंग का एफिडेविट है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बंद करते हैं। अब आ जाइए जी इस पे सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो आपसे रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर रहा है जो लास्ट ईयर भी किया था, जो भी फीस से रिलेटेड है। बस इसको आप पढ़ लीजिए, और ये आपको कल साइन करना पड़ेगा। और फिर ये रिपोर्टिंग मेमो है कि जब आप वहां पर जा रहे हैं, और बार बार वो कह रहा है कि इसमें आप हर जगह साइन करोगे कि आपने एनेक्सर 5 पढ़ लिया है, जो कि ये था। अब देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि सुभारती कोई विदेश में तो है नहीं, सुभारती मेरठ में ही है। कि आप सुभारती जाइए, वहां पर जनरली जो ओनर्स हैं वो डायरेक्टली डील करते हैं। आप उनसे पूछिए, वो कहेगा भाई हमारे कॉलेज में आइए, यू आर मोस्ट वेलकम, लेकिन ये दिमाग में रखिए कि आपको 1-10 का पैकेज देना पड़ सकता है। और ये जो एग्रीमेंट है, ये तो वैसे पिछले 2 साल से वो साइन करा रहा है, पर फर्क मैंने यही बोला ना कि वो माइनॉरिटी कॉलेज बना ही नहीं था। इस साल तो ऑफिशियली आधी सीटें माइनॉरिटी हो गई, तो नाउ इट इज लाइक ईरा और तीर्थांकर। अब तीर्थांकर में आधी सीटें जैन माइनॉरिटी हैं, आधी सीटें नॉर्मल है, लेकिन फीस तो सबको 1-10 देनी पड़ती है ना। पिछली जैसे ही आप माइनॉरिटी कॉलेज बन जाते हो, फिर फीस निर्धारित करने का अधिकार आपका अपना हो जाता है। लास्ट ईयर यूपी सरकार ने इनको माइनॉरिटी कॉलेज ही नहीं बनने दिया था। जो लोग लास्ट ईयर का रेफरेंस दे रहे ना, मेरे भी आपको बहुत वीडियोस लास्ट ईयर के मिलेंगे, और यही बिल्कुल ठीक बात है कि जैसे चॉइस फिलिंग आई उसमें सारी की सारी सीटें नॉर्मल में आई थी। इस बार तो 100 सीटें बुद्ध माइनॉरिटी में आ गई है ना। और यूपी के बाकी जितने 5ों माइनॉरिटी कॉलेज हैं, करियर, FH आगरा, इंटीग्रल, इरा एंड तीर्थांकर, सबकी फीस बाकी 30-29 कॉलेज से ज्यादा है ना। 26 जमा 4 30, मैंने सुभारती का नाम कटा के 29 बोला है।
उसमें कैरियर थोड़ा रिजनेबल है, बाकी सारे तो 1 10 से 15 पे जा रहे हैं, आपको मालूम है ना। सो डोंट क्वेश्चन मी कि सर आपको नहीं पता, रहे मुझे किसी को मना थोड़ा करना सुभारती जाने से, यह आपके सामने है, आप सुभारती में फोन कीजिए, सुभारती से बात कीजिए। वो ये बोल रहे हैं कि भाई 99.999% आपको 1 10 देना पड़ेगा अब कल को, और आपसे वो इस एग्रीमेंट पे साइन भी करा रहे हैं। अब अगर 2 महीने में फीस चेंज हो गई तो क्या आप 1 करोड़ 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं? सिर्फ यही मैं आप सबको बता रहा हूँ, जो मैंने अपने क्लाइंट्स को 10 12 दिन पहले बता ही दिया था, चॉइसली शुरू होने से पहले, और हम लोगों ने चॉइसली उस हिसाब से करी है। आप लोग करी चुके हो तो अब कुछ बचा नहीं, लेकिन हाँ जब अभी की अभी जब सीट मिलेगी, जो सुभारती में जिन्होंने भरा है ये सोच के कि फीस कम है, एक बार कॉलेज चले जाइए और भगवान भरोसे मत छोड़िए। समझाता तो मैं यही हूँ कि सुभारती कोई जॉली ग्रांट या श्रीराम मूर्ति बरेली तो है नहीं कि भैया इसको नहीं लिया तो हमारी मेडिसिन खराब हो जाएगी, गलत हो जाएगी। सोच समझ के फैसला कीजिए। आप सुभारती से एक कॉलेज नीचे, एक कॉलेज ऊपर या दो कॉलेज नीचे भी ले लोगे तो क्वालिटी में कोई मेजर फर्क तो पड़ नहीं जाएगा, लेकिन ये 40 लाख का जो रिस्क है, जो लास्ट ईयर भी आ गया था लेकिन चूंकि सीट ही पेनल्टी में नहीं आई तो खत्म हो गया था। और सच्चाई की बात तो यह कि अब जब 2 महीने में फीस रिवाइज हो गई तो जो 2023 और 22 के बैच वाले भी हैं, क्योंकि तो इसने वो सबसे साइन करा रखा है कि जिस दिन मैं मेनल्टी बन गया आप सबसे भी फीस लूंगा, तो यही बस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। तो आप ये होम पेज पे जाइए, समझने की कोशिश कीजिए। समझना ये होता है कि बहुत अच्छी बात है भाई आपका पूरा बैच में फीस ना पड़े, बहुत अच्छी बात है जी कि सुभारती का दोबारा से माइनॉरिटी स्टेटस कैंसिल हो जाए। सुभारती कौन सा मेरा रिश्तेदार है, या आप लोग मेरे रिश्तेदार हो या दुश्मन हो, ये एक फेक था, मेरे को वीडियो बनाने का टाइम नहीं था। मैंने अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जो मेरे फुल प्रीमियम क्लाइंट्स हैं उनको 1 मिनट के ऑडियो में बता दिया था, ये वेबसाइट भेज दी थी, ये रजिस्टर समझा दिया था। उसके बाद लोगों ने बिल्कुल, हम लोगों ने तो सुभारती को नीचे कर दिया बेसिकली पहले 20 कॉलेज के बाद। समझने की बात तो यही है ना कि सुभारती ही थोड़ा लेना है, और सुभारती के खिलाफ भी मैं नहीं बोल रहा, सुभारती एक बिल्कुल डिसेंट कॉलेज है। 1 10 में आपको लेना नहीं लेना है वो आपके चॉइस है, उसके लिए मेंटली तैयार रहिए। उसके लिए खाम खाम में मतलब क्वेश्चनिंग का भी तरीका होना चाहिए ना यूट्यूब पे, मतलब कि आपको ये बता के कि सुभारती 1 10 हो सकता है, उसमें मेरा क्या इंटरेस्ट है, मुझे क्या मिलने वाला है, राइट? तो नाई हैव ए नाइस डे, बाय बाय। और जब चॉइस एडमिशन हो जाए, मेरी सलाह ये है कि नोडल सेंटर जाने से पहले जरूर सुभारती का चक्कर काट लीजिए और उनसे कंफर्म कर लीजिए, ओके? कोई ऐसा नहीं है कि सुभारती को बदनाम करके, मेरे 2 बच्चे हैं 250 नंबर वाले और मुझे उन्हें सुभारती दिलाना है, इसलिए मैं आप सबको कह रहा हूँ कि सुभारती छोड़ दो, ठीक है ना? अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं, मेरे ही क्लाइंट्स हैं दिल्ली के आसपास रहने वाले, जो सुभारती 1 10 देने को तैयार है। बस फर्क ये है कि पहले हम सुभारती नंबर 5 पे भरते थे, अब की बार हमने नंबर 16 पे भरा है, पहले 11 दूसरे कॉलेज भरे हैं, हापुड़ के भरे हैं, फिर तीर्थांकर भरा है, फिर सुभारती भरा है। मेरे काफी क्लाइंट्स हैं 400 नंबर वाले जो सुभारती 1 10 में लेने को तैयार हैं, फर्क बस इतना है कि वो जानकारी के साथ ले रहे हैं। समझे बात को? हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।